आज हम बनाएंगे वेज स्पाइसी चाउमीन की रेसिपी। अगर आप इंडियन स्टाइल में स्पाइसी चाइनीज नूडल्स खाना पसंद करते हो तो ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। इसे मैंने बढ़िया सॉसेस के साथ एकदम आसानी से बनाया है, जिसे आप इसे झटपट से बना सकते हो। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। चाउमीन बनाने के लिए पहले हम नूडल्स को बॉईल करेंगे। इसके लिए मैं गर्म पानी में डाल रही हूँ आधा चम्मच नमक, साथ ही मैं डाल रही हूँ 4 से 5 बूंद ऑयल। इससे बॉईल करने के बाद नूडल्स एकदम खिले खिले रहेंगे। अब इसमें जाएगा ये 1 पैकेट नूडल्स। मार्केट में कई तरह की कंपनियों के नूडल्स मिलते हैं, इसमें से आप कोई भी ले सकते हो। नूडल्स को हम हाई फ्लेम पर बॉईल करेंगे। इसमें मैंने पहले ही नमक डाल दिया था, जिससे नूडल्स बॉईल होने के बाद स्वाद में नमकीन हो जाएंगे। इन्हें बीच बीच में चला दीजिए, जिससे सारे नूडल्स अलग अलग होकर खिले खिले रहेंगे। 5 मिनट ऐसे ही बॉईल करने के बाद देखिए नूडल्स सॉफ्ट हो गए हैं। इन्हें चेक कर लेते हैं कि ये रेडी है कि नहीं। तो ऐसे मैं नूडल्स को दबा रही हूँ तो ये इजीली टूट रहे हैं, इसका मतलब कि ये अच्छे से बॉईल होकर रेडी हो गए हैं। अब इसके पानी को हम छानकर अलग कर देंगे। तो ये देखें, एकदम खिले खिले नूडल्स बॉईल होकर तैयार है। इसके ऊपर मैं ठंडा पानी डाल रही हूँ, जिससे इसकी कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगी और ये जल्दी से ठंडे हो जाएंगे, ताकि ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होंगे। अब इन बॉईल किए हुए नूडल्स को हम साइड में रख देते हैं। यहाँ पैन में मैं ले रही हूँ 3 बड़ा चम्मच ऑयल। ऑयल में यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा ले रही हूँ, क्योंकि चाउमीन बनाने में ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। इसे हम अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए, इसमें डालेंगे एक बड़े साइज का प्याज, जिसे मैंने ऐसे लंबा कट करके लिया है। इन्हें एक बार ऑयल में चला देंगे, ताकि प्याज की सभी लेयर अलग हो जाएगी। इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसकी जगह आप कुटी हुई अदरक लहसुन भी ले सकते हो। इन्हें आप चाउमीन की रेसिपी में जरूर डालिए, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। प्याज के साथ चलाते हुए इस पेस्ट को भी भून लेंगे। प्याज को हल्का सा ट्रांसलूसेंट कर लेना है, इन्हें हम ज्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे। तो देखिए ये पतले साइज में कटे हुए हैं, इसलिए जल्दी से ट्रांसलूसेंट हो गए हैं। अब इसमें जाएगी शिमला मिर्च। मैंने यहाँ पर कलरफुल शिमला मिर्च ली है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो डाल दीजिए। आज मैं इस रेसिपी को एकदम सिंपल सी वेजिटेबल्स के साथ बना रही हूँ। आपको जो भी वेजिटेबल पसंद हो वो आप डाल सकते हो। वेजिटेबल्स को हमें बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं करना है, इन्हें हल्का सा कच्चा ही रखेंगे, जिससे इनका क्रंची फ्लेवर बरकरार रहेगा। अब इसमें डालेंगे सॉस। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 2 चम्मच डार्क सोया सॉस। इस चाउमीन को हम एकदम हॉट स्पाइसी बना रहे हैं, इसलिए मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच भरकर ग्रीन चिली सॉस और 1 चम्मच रेड चिली सॉस। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भरकर सेजवान सॉस भी लिया है। इससे चाउमीन में बहुत ही बढ़िया चाइनीज फ्लेवर आएगा और ये और भी ज्यादा स्पाइसी हो जाएगी। अब टेस्ट को बैलेंस करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच टोमेटो केचप। इन सभी सॉसेस को हम वेजिटेबल्स के साथ मिक्स कर लेंगे और इन्हें भी 1 मिनट पका लेंगे। मैं इन्हें हाई फ्लेम पर पका रही हूँ, इसलिए मैं इन्हें लगातार चला रही हूँ, जिससे सभी सॉसेस का अच्छा फ्लेवर आएगा। मार्केट में भी बिल्कुल इसी तरह से हाई फ्लेम पर चलाते हुए सॉसेस की ग्रेवी तैयार करते हैं, जिससे चाउमीन में हल्का सा स्मोकी फ्लेवर आता है। आज हम भी बिल्कुल मार्केट स्टाइल में बना रहे हैं। ये चाउमीन बहुत ही बढ़िया बनकर आएगा और एकदम लाजवाब लगेगा। थोड़ी देर में ही देखिए सारे सॉसेस पक गए हैं और ये बढ़िया सी ग्रेवी बनकर तैयार है। इसमें से खुशबू भी एकदम मार्केट जैसी आ रही है। अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च। नमक को यहाँ पर आप ध्यान से डालिए, क्योंकि चाउमीन को बॉईल करते समय भी हमने नमक डाला था और सॉसेस में भी नमक होता है, इसलिए अभी मैंने कम ही नमक डाला है। अब इसमें जाएंगे बॉईल किए हुए नूडल्स। इन्हें हमने परफेक्ट बॉईल किया था, जिससे ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे हैं और खिले खिले हैं। इन्हें टॉस करते हुए ग्रेवी में मिक्स कर लेंगे। ऐसे टॉस करते हुए आप इन्हें मिलाइए, जिससे सारी ग्रेवी नूडल्स पर अच्छे से लग जाएगी और इसमें बहुत ही बढ़िया कलर आएगा।
ये रेसिपी को बड़ी कढ़ाई में बनाने का यही एक फायदा है कि हम इन्हें आसानी से और अच्छे से मिला पाते हैं। इसका कलर देखिए कितना अच्छा आया है। नूडल्स को ग्रेवी में अच्छे से मिला लिया है। अगर आप चाइनीज को देसी स्टाइल में एकदम स्पाइसी खाना पसंद करते हो तो इस रेसिपी को आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी हॉट एंड स्पाइसी बनती है और इसे देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। चाउमीन बनकर तैयार है। इन्हें ऐसे ही गर्मा गर्म सर्व कीजिए। यह आपके फ्रेंड्स और फैमिली को बहुत अच्छी लगेगी और सभी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर फॉलो कीजिए ऐसी ही टेस्टी रेसिपीज के लिए।